वीडियो में जानेंगे कि 2024 में सरस्वत बैंक के एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। हालांकि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, वो वीडियो 2023 का था और ये 2024 का अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो है। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है हर साल जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने का जो प्रोसेस है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो जो 2024 में कैसे पैसे निकालेंगे सरस्वत बैंक के एटीएम मशीन से, आइए चलिए देखते हैं। एटीएम पर आपको इस प्रकार से सरस्वत बैंक का एटीएम मशीन मिलेगा। आपको अलग टाइप का भी एटीएम मशीन मिल सकता है, पर जो पैसे निकालने का सारा प्रोसेस है वही रहेगा जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मेरा सरस्वत बैंक का एटीएम कार्ड है। इसी प्रकार से जो भी आपका सरस्वत बैंक का एटीएम कार्ड है यहाँ पर एटीएम मशीन में डाल देना है। डालने के बाद एटीएम मशीन की स्क्रीन पर आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज़ वेट। थोड़ा वेट करेंगे तो आपको सामने ऑटोमेटिक इस प्रकार से स्क्रीन पर आएगा, देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पे इंग्लिश, मराठी कई भाषाएं मिलेंगे, आप किस भाषा में आगे बढ़ने वाले भाषा चुनेंगे। जैसे मैं हिंदी में आगे बढ़ने वाले हैं, हिंदी ठीक से बटन दबा दिया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा क्या करना चाहेंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे पैसे बैलेंस वगैरह चेक करना, पिन नंबर वगैरह बनाना, सारे चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे पैसे निकालने के लिए नगद निकासी के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नगद राशि की संख्या अंकित करें। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो भी पैसा आप एटीएम मशीन से निकालना चाहते हो उस पैसे को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे मैं 500 रुपये निकाल के दिखाने वाला हूँ आपको, तो यहाँ पे 500 रुपये एंटर कर दिया। जो भी पैसे एंटर करेंगे यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे सही के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाने के बाद अगला ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या अंकित करें। तो यानी कि यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का जो सीक्रेट पिन नंबर है होता है उस पिन नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप पिन नंबर अपना डाल देंगे, डालने के बाद आपको यहाँ पे सही का ऑप्शन मिलेगा, उसी के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा, देखिए कृपया प्रतीक्षा करें, अनुरोध जारी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, तो वेट करने के बाद जो भी पैसा आप निकालना चाहते हैं वो पैसा आपका एटीएम मशीन से यहाँ से देखिए निकल के आ जाएगा। जैसे मैं 500 रुपये आपको निकाल के दिखाने वाला था, तो यहाँ पे देखिए मेरा 500 रुपये निकल के आ गया। इसी प्रकार से आपका भी पैसा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा 500 रुपया है, ये निकल के आ चुका है। अब एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, धन्यवाद क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है और अब आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से निकाल लेना है। इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से सरस्वत बैंक के एटीएम मशीन से सरस्वत बैंक के ही एटीएम कार्ड से पैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है आपको करना होगा। यहाँ पे अगर आप अपना एटीएम कार्ड भी चेंज करते हैं, यानी अगर आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है या किसी अन्य बैंक का एटीएम कार्ड है, तो जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी बहुत हेर फेर हो जाती है, यानी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।